नमस्कार। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी ने रिलीज होते ही धूम मचानी शुरू कर दी है। फिल्म की रिलीज के बाद हर किसी को इंतजार रहता है उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का। आखिरकार फिल्म ने पहले दिन कितने करोड़ की कमाई की। अक्षय की इस फिल्म से लोग काफी उम्मीदें लगाकर बैठे थे। लोग सोच रहे थे कि ये फिल्म पहले दिन रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी और फिल्म ने रिलीज होते ही वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। फिल्म के पहले दिन के आंकड़े सामने आ गए हैं। खास बात यह है कि रिलीज होते ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाकर रख दिया है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बाद भी फिल्म ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और ताबड़तोड़ कमाई की। कोरोना के कारण देश में कई जगह सिनेमाघरों में लगी पाबंदियों के बावजूद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे इंडस्ट्री में भी खुशी की लहर है। रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी ने पहले दिन देश के बड़े हिस्सों में 50% की कटौती के बावजूद देश भर से 26.29 करोड़ रुपए का कारोबार किया। यही नहीं, विदेशों में भी फिल्म अच्छा बिजनेस कर रही है। फिल्म को 66 देशों में 1300 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया। वहीं देश में 4000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर सूर्यवंशी रिलीज हुई। कोरोना के बाद ये ऐसी पहली बड़ी फिल्म है जिसने महामारी के बीच शानदार प्रदर्शन किया है। सूर्यवंशी की रिलीज से एक बार फिर दर्शकों ने सिनेमाघरों का रुख करना शुरू किया है। देश में महामारी की दस्तक के बाद रोहित शेट्टी की ऐसी ये पहली बड़ी फिल्म है जो सिनेमाघरों में इतने बड़े स्तर पर रिलीज की गई। ऐसे में दर्शक भी फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड है। बड़े पर्दे पर रिलीज हुई रोहित शेट्टी की आखिरी फिल्म सारा अली खान और रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा थी, जो 2018 में आई थी। सिम्बा के क्लाइमेक्स में रिवील कर दिया गया था कि रोहित शेट्टी की अगली फिल्म सूर्यवंशी होगी, जिसमें अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के अलावा सिंघम, अजय देवगन और सिम्बा रणवीर सिंह भी होंगे। और अब ऐसा ही हुआ। सूर्यवंशी में अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह ने एक साथ धमाका कर दिया है, जो कि दर्शकों को पसंद आ रहा है। बताया जा रहा है इस फिल्म का बजट 200 करोड़ से ज्यादा का है। फिल्म में कई जबरदस्त एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं जो कि चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों की तरफ से अच्छे रिव्यूज मिले हैं। यही वजह है कि माउथ पब्लिसिटी का भी फिल्म को काफी अच्छा फायदा मिल रहा है। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म कितने करोड़ का कारोबार करती है। अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं, और अगर देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको फिल्म कैसी लगी।